हेलो लर्नर्स, इग्नू वॉइस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो लर्नर्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको इग्नू की तरफ से जारी किए गए कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी डिटेल मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं। तो बात की जाए आज के पहले अपडेट के बारे में, तो ये रिजल्ट को लेके है, दिसंबर 2021 टर्म एंड एग्जामिनेशन के। जैसा कि आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये पता होगा कि इग्नू अपना रिजल्ट एक साथ डिक्लेयर नहीं करता, ये रिजल्ट आपको किस्तों में देता है। तो इसी कड़ी में इसकी 7वीं किस्त आ चुकी है दिसंबर 2021 टर्म एग्जामिनेशन के लिए। अगर आप भी अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो आपको सिंपली इस वेबसाइट पे आना है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और यहाँ पे आपको आपका एनरोलमेंट नंबर एंटर करना है और सबमिट कर देना है। फिर आपके सामने आपके रिजल्ट को लेकर ये पेज ओपन होगा, इसमें आप देख सकते हैं जो रिजल्ट आया है वो आपका 25 तारीख को अपडेट हुआ है। फिर आप बोलेंगे अभी तो आपने बोला कि 29 तारीख को अपडेट हुआ है, तो समझिए इसमें हुआ क्या है। जो इग्नू है उसने आपका पेपर चेक किया होगा और जो आपके मार्क्स वगैरह हैं वो अपनी वेबसाइट पे इन्होंने 25 तारीख को अपलोड कर दिए, और इग्नू ने सबके लिए इसको पब्लिक कब किया, 29 अप्रैल को। तो इस वजह से कुछ स्टूडेंट्स का 24 अप्रैल को भी आया होगा, कुछ का 23 अप्रैल को भी आया होगा। और जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इनका 25 अप्रैल को 3 सब्जेक्ट का रिजल्ट आया है और यहाँ पे किसी का सिर्फ 1 सब्जेक्ट का है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका सबका एक बार में ही आ जाएगा, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था किस्तों में रिजल्ट आता है इग्नू में। अगर अभी तक आपका रिजल्ट भी नहीं आया तो आपको सिंपली क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको वेट करना है जब तक इसका नेक्स्ट अपडेट नहीं आता रिजल्ट को लेके। और अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट अपडेट आया है वो हमारे ग्रेड कार्ड और मार्कशीट को लेके आया है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ग्रेड कार्ड का जो स्टेटस है वो 29 अप्रैल को अपडेट किया गया है, और इस ग्रेड कार्ड पे आप एक चीज़ देख पाओगे, जो आपके असाइनमेंट के नंबर हैं वो यहाँ पे आपके अपडेट होने स्टार्ट हो चुके हैं, और साथ में जो आपके थ्योरी के मार्क्स हैं वो भी अपडेट होने स्टार्ट हो चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट हैं जिनके असाइनमेंट के और थ्योरी के दोनों के ही मार्क्स अपडेट हो चुके हैं, उनका स्टेटस यहाँ पे कंप्लीट आ रहा होगा, और जिनके यहाँ पे मान लीजिए थ्योरी के हुए हैं और असाइनमेंट के बचे हुए हैं तो नोट कंप्लीट आ रहा होगा। तो दोस्तों, आप भी जाके अपना ग्रेड कार्ड जरूर चेक करना, देखना कि आपके नंबर अपडेट हुए हैं या नहीं हुए हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। जो हमारा नेक्स्ट अपडेट है वो है 35वें कॉन्वोकेशन को लेके। तो दोस्तों, इग्नू ने क्या किया, इग्नू ने एक कॉन्वोकेशन के लिए एक अलग पोर्टल ही बना दिया है, जहां से आप अपना डिजिटल सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। पहले ये पोर्टल नहीं था, ये अभी नया नया बना है, इसलिए इसमें कुछ एरर भी हैं। फॉर एग्जाम्पल बात की जाए, अगर कभी कभी इसमें क्या होता है, जब अपना एनरोलमेंट नंबर एंटर करते हो और एक कैप्चा एंटर करते हो आप, और यहाँ पर लॉगिन करते हो, तो आपके पास एक OTP जाता है, तो कभी कभी नहीं जाता इसके एरर की वजह से। आई होप उसको जल्दी फिक्स कर लिया जाएगा। पर अगर आप भी अपना डिजिटल सर्टिफिकेट या जो आपकी डिग्री है वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। नेक्स्ट अपडेट हमारा दिल्ली 2 रीजनल सेंटर की तरफ से आया है, और इसमें BSc और BSc G प्रैक्टिकल का शेड्यूल जारी किया गया है, और जाकिर हुसैन कॉलेज जिन भी स्टूडेंट्स का स्टडी सेंटर है वो अपने प्रैक्टिकल के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये ऑनलाइन होगा, इसके लिए गूगल फॉर्म का लिंक जारी किया गया है, और यहाँ से आप इसके जो स्टूडेंट्स हैं जो इसके लिए एलिजिबल है उनकी लिस्ट भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स का भी एनरोलमेंट नंबर 19 से स्टार्ट हो रहा है सिर्फ वही इसके लिए एलिजिबल हैं, और जिन भी स्टूडेंट्स का स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज स्टडी सेंटर है वो यहाँ पे BSc प्रैक्टिकल का शेड्यूल देख सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट भी हमारा प्रैक्टिकल रजिस्ट्रेशन को लेके है, और ये हमारा पटना रीजनल सेंटर की तरफ से आया है, और ये दो प्रोग्राम्स के बारे में, BSc BCH और BSc G। और जो प्रैक्टिकल के लिए रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट दी गई है वो 5 मई की है। तो अगर आप एलिजिबल हैं और आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो रजिस्ट्रेशन कर लेना, और इसमें भी आपको जो आपका प्रोग्राम है वो सेलेक्ट करना है, उसके बाद उस प्रोग्राम में जिस भी सब्जेक्ट का आपको प्रैक्टिकल देना है वो सेलेक्ट करना है, और देन ये जो आपकी सारी डिटेल है फिल करने के बाद आपको इसको सबमिट कर देना है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो जो नेक्स्ट अपडेट हमारा है वो शिमला रीजनल सेंटर की तरफ से आया है, तो शिमला रीजनल सेंटर की तरफ से भी प्रैक्टिकल का शेड्यूल जारी किया गया है, और इसमें आपके MCA BCA MCA न्यू PGDCA PGDCA न्यू प्रोग्राम शामिल हैं, और जो भी प्रैक्टिकल के लिए एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं उनकी लिस्ट यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और इसके अलावा आपने अभी तक इग्नू वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको यहाँ से सब्सक्राइब कर लेना, और इस बेल को यहाँ से ऑन कर लेना ताकि इग्नू के सभी न्यूज़ और अपडेट टाइम से आपको मिलते रहें। और इसके अलावा अगर आप चाहे तो इग्नू वॉइस को इंस्टाग्राम पर और ट्विटर दोनों जगह फॉलो कर सकते हैं, और इनके साथ साथ अगर आपको इग्नू के इंस्टेंट अपडेट्स चाहिए तो आप इग्नू वॉइस का टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।